जिस पार्टी के लिए मैं अपना जीवन दान करना चाहता था, अपना तन मन धन सब लगा दिया, जीवन का कण कण लगाया, उस पार्टी का एक तुच्छ व्यक्ति अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए मेरा निष्कासन निकालता है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया था जीतन राम मांझी ने, उसके बाद वो काफी ज्यादा चर्चा से घिर गए हैं। बिहार की सियासत जो है काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। आपको याद दिला दे, बीजेपी के सदस्य गजेंद्र झा ने जीतन राम मांझी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जीतन राम मांझी का जीप काट के ला दे, उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन जिसके बाद उन्हें बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। आपको बता दें कि गजेंद्र झा का एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में गजेंद्र झा काफी ज्यादा इमोशनल है और रोते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस पार्टी को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आज उस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है। आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से गजेंद्र झा रोते हुए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। जिस पार्टी में मैंने अपना जीवन समर्पण किया, जिस पार्टी के लिए मैं अपना जीवन दान करना चाहता था, अपना तन मन धन सब लगा दिया, जीवन का कण कण लगाया, उस पार्टी का एक तुच्छ व्यक्ति अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए मेरा निष्कासन निकालता है। और निष्कासन निकालने वाला एक ब्राह्मण का कलंकी बेटा, आप लोगों ने वो वायरल ऑडियो सुना ही होगा जो अभिषेक भाई ने पर्दाफाश करके निकाला। अभिषेक भाई, आपको नमन है। अगर आप वो ऑडियो बाहर ना निकालते तो शंकर झा की यह साजिश भाजपा भी नहीं जान पाती, यह देश नहीं जान पाता, मेरे मधुबनी के लोग नहीं जान पाते। शंकर झा ने उस शंकर झा ने उस वायरल वीडियो में कहा है कि गजेंद्र झा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं और केंद्र के नेताओं के बीच में, केंद्र के नेताओं के साथ मिलकर ब्रोकरी का काम करता है। तो देखा आपने किस तरीके से गजेंद्र झा ने रोते हुए, इमोशनल होते हुए पार्टी को लेकर उनके मन में जो भी दुख दर्द था, इस वीडियो में उन्होंने जाहिर किया है। आपको बता दें कि इस जो भी गजेंद्र झा के साथ हुआ, इससे उन्हें साफ पता चल गया होगा कि पैच, आपको बता दें पैच गजेंद्र झा के साथ जो भी हुआ, उसके बाद उन्हें यह क्लियर हो गया होगा कि बीजेपी को जीतन राम मांझी की ज्यादा जरूरत है, ना कि गजेंद्र झा की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं IVTV। धन्यवाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे।
लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशा जी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशाजी बंगाली। बाबा पाशाजी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराए, एक बार फोन घुमाए, बाबा पाशाजी बंगाली।